श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति के 10,000 बेटे हर्यश्व नाम के नारायण सरोवर में प्रतिदिन स्नान करके साधु संतों के संगत में तपस्या करके पवित्र हो गए, तब उनका मन भागवत धर्म में लग गया, आकर्षित हो गया। भागवत धर्म किसको कहते हैं? भक्ति को। भक्ति योग को ही भागवत धर्म कहते हैं। भक्ति योगेन मनसी सम्यक व्यवसिते ही नर्मले, भागवत धर्म। आकर्षित हो गया, उनकी दिल शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया, फिर भी पिता की आदेश को याद करके तपस्या में लगे रहे। सब कुछ शुद्ध हो गया, भगवान की भक्ति करने में मन लग गया, लेकिन करे क्या, उनका आदेश जप करो। ऐसा देख करके नारद मुनि तो देखे, अरे तेरे की इनका तो दिल शुद्ध हो गया, भागवत धर्म में आकर्षित हो गए, ये लोग अभी तपस्या कर रहे हैं पिता की आज्ञा के कारण, ये तो शरीर का पिता है, आत्मा का पिता नहीं है इनका, चलो चलते हैं। तो और नारद मुनि आ गए इनके पास। अरे हर्यश्व, तुम्हारा दिल मन शुद्ध हो गया, तुम भक्ति मार्ग में लग गया, मन लग गया, तुम्हारा भागवत धर्म करने की इच्छा हो गई तुम्हारी, फिर भी तपस्या कर रहे हो बच्चे पैदा करने के लिए, तुम बहुत ही संकीर्ण बुद्धि के हो रे। अरे भगवान की भक्ति करने से तो और शुद्ध हो जाएगी, भगवान की भक्ति करो, भागवत धर्म भक्ति का मकाम है। यदि किसी का दिल साफ नहीं हुआ, मन साफ नहीं हुआ, उसको कीर्तन भजन में पाठ में ध्यान में गुरु जी की बात मानने में इच्छा नहीं लगेगी, इच्छा नहीं होगी उसकी। तुम्हारी इच्छा हो गई है भगवान की भक्ति करने, मतलब तुम शुद्ध हो गए हो। लेकिन तुम यदि अपने पिता की बात मानने में लगे हो, शरीर का पिता है वो, आत्मा का पिता नहीं है, और उसकी बात में मानने में लग रहे हो तुम बहुत संकीर्ण वाले। देखो मेरे 10 प्रश्नों को उत्तर पहले दो, तब बाद में सोचो बच्चे पैदा करने की बात, पहले मेरे 10 प्रश्नों का उत्तर ढूंढो। पहला प्रश्न मेरा है, नारद जी बोल रहे हैं, तुमने क्या इस पृथ्वी का छोर देखा है? अंत कहां है इस पृथ्वी का, देखा है? यदि तुमने नहीं देखा है तो तुम संतान पैदा करने के लायक नहीं हो। संतान तो कुत्ते बिल्ली भी पैदा कर देंगे, कोई भी पैदा कर सकता है, लेकिन पैदा करने के बाद उनके पास कर्तव्य लगता है, उनको बड़ा करना, पालन करना, पोषण करना, बीमारी देखना, कितना करना, सब सहन करना, बहुत होता है। तुमने तो छोर भी नहीं देखा है पृथ्वी का, तुम बच्चा पैदा करने की इच्छा कर रहे हो। नंबर टू, दूसरा प्रश्न मेरा है, बोल रहे हैं नारद मुनि, अरे हर्यश्व, तुम जानते हो उस देश को जिस देश में केवल एक ही आदमी रहता है, दूसरा कोई नहीं रहता वहां, उस देश को जानते हो? चाहे तुम सोचो वो राजा है उस देश का, या प्रजा है उस देश का, या पंडित है उस देश का, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, कुछ भी है, वो आदमी है वहां एक, उस देश को जानते हो? नहीं जानते हो तो तुम्हारा बच्चे पैदा करने का मन बुद्धि लगन सब बेकार है। तीसरा प्रश्न पूछा नारद मुनि ने, तुम जानते हो उस बिल को जिस बिल में प्रवेश करने के बाद दोबारा नहीं निकल सकते, और वहां चक्कर काटते रहो और निकलने का दरवाजा नहीं मिलेगा, एक बार घुस गए तो, उस बिल को जानते हो? तुम कहोगे मैं नहीं जानता, तो तुम्हारा सृष्टि करने का मन बनाना व्यर्थ है, महत्वहीन है। चौथा प्रश्न पूछा, चौथा प्रश्न क्या पूछा, तुम एक ऐसी स्त्री को जानते हो जो हर समय हर बार बार अपना स्वरूप बदलती है, कभी बाल काट लेती है, कभी लंबे बाल बना लेती है, कभी सिर उगाड़ के रहती है, कभी सिर ढांक लेती है, कभी तरह तरह के कपड़े पहनती है, नाचती है, हंसती है, खेत खुलती है, और पास में ही रहती है, जानते हो उसको?
यदि तुम नहीं जानते हो तो कैसे सोच रहे हो तुम बच्चे पैदा कर लोगे? बच्चे पैदा करना, करके उसके जिम्मेदारी संभालना, मुख्य देना लेना असंभव बात है, इसलिए तुम व्यर्थ का प्रयत्न कर रहे हो। और उस स्त्री को देखने के समान रह, न देखने के समान रह रहे हो, वो तुम्हारे पास घूम रही है। वो पांचवा प्रश्न पूछा, तुमने क्या एक ऐसा पुरुष देखा है जो स्वयं तो कुलीन है, कुलीन वंश में पैदा हुआ है, सज्जन है और आदर्श पुरुष है, लेकिन शादी किया है वैश्या से, जो अपने पति के सामने ही गड़बड़ कर रही है दूसरे से, क्योंकि उसका स्वभाव है वैश्या। जानते हो उसको? यदि कहोगे हमने नहीं देखा ऐसा स्त्री, तो फिर तुम कुछ नहीं जानते, तुम खाली मन लग रहा है और बच्चा पैदा करने में तुम गलत मार्ग में हो। छठा प्रश्न पूछा, फिर तुमने क्या एक ऐसी नदी देखी जो दोनों तरफ चलती एक बार में, एक साथ? अरे एक ही तरफ चलती है नदी, समुद्र की तरफ भागती है नदी का जल, लेकिन उसका जल दोनों तरफ चलता है। देखा है तुमने ऐसा नदी जो दोनों तरफ चल रहा हो जल? यदि तुमने नहीं देखा है तो तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हारी अभी बच्चा उम्र है, बच्चा बुद्धि है, उम्र तो बड़ी हो गई, बच्चा बुद्धि है, संकीर्ण है, अभी तुमको समय लगेगा। फिर सातवां प्रश्न पूछा, क्या तुम ऐसे घर के जान एक, एक क्या तुम ऐसे एक घर को जानते हो जिसमें 25 वस्तुओं से वो घर बनाए, 25 वस्तुओं से ऐसे घर को जानते हो जिस घर में ऐसे घर में प्रवेश करने के बाद भगवान को भूल जाते हैं? जानते हो उस घर को? और मैं अहम ममैति बोलते हैं, मेरा है, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे लड़के, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा मकान, मेरा रुपया, मैं हूं, ऐसा हो जाता है। जानते हो उस घर को? नहीं जानते हो तो तुम कुछ नहीं जानते हो, अनफिट हो बच्चा पैदा करने के लिए। आठवां प्रश्न पूछा, तुमने क्या एक ऐसे हंस को देखा है जिसके जो पंख हैं वो चित्र विचित्र जैसे हैं, उसको देखते ही दंग रह जाते हैं, ऐसे हंस को तुमने देखा है कभी? उसके हंस के बारे में जानते हो? यदि तुम कहोगे नहीं जानते हैं तो तुम अज्ञानी हो। अज्ञानी बाहर से तो ज्ञानी की तरह भी दिखाई पड़ सकता है, लेकिन तुम हो अज्ञानी, तुम अनफिट हो, करने लायक नहीं हो, बच्चा पैदा करने लायक नहीं हो। नवा प्रश्न पूछा, नवा प्रश्न क्या पूछा, क्या तुम एक ऐसे चक्र को जानते हो जो हर समय चलता है, जिसकी धुरी जो होती है ना वो सब ब्लेड के बने हुए हैं और वज्र के समान कठोर है, वो चक्र हर समय चलता, कभी रुकता ही नहीं है, जानते हो ऐसे चक्र को? इसके बारे में नहीं जानते हो तो तुम कुछ नहीं जानते हो, अज्ञानी हो, बच्चा पैदा करने लायक नहीं हो। फिर दसवां प्रश्न पूछा, क्या तुम अपने असली पिता को जानते हो जो उस आदि पिता है, जानते हो उसने क्या आदेश दे रखा है तुमको, उसको याद करते हो, याद रखते हो, तुमको याद है वो आदेश? असली पिता, आदि पिता, उसको जानते हो? अच्छा तुम नहीं जानते और उसके आदेश को भी नहीं जानते, याद रखते हो, तो तुम कैसे लगे हो बच्चा पैदा करने के लिए तपस्या में? इतनी छोटी ओछी बुद्धि है तुम्हारी, तुम बच्चा पैदा करने लगे हो, 10 प्रश्नों को उत्तर नहीं जानते हो, गड़बड़ है तुम्हारे साथ। अच्छा ऐसा करो, इसके बारे में, मेरे प्रश्नों के बारे में सोचो, ये 10 प्रश्न मैंने तुमको दिए हैं, इनके उत्तर के बारे में सोचो, इनके ऊपर खोजबीन करो,
मेरे को उत्तर दो। यदि तुम्हारे पास उत्तर नहीं है तो तुम याद रखो, तुम बच्चा पैदा करने लायक नहीं हो, शादी करने लायक नहीं हो। शादी कर लिया तुमने और 10 प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम दुनिया को ठग रहे हो, अपने को ठग रहे हो। ठीक है, तुम शास्त्र पढ़ो, शुद्ध भक्त के नीचे आचरण करो, शुद्ध भक्त की बात पर चलो, शुद्ध भक्त से संबंध बनाओ, भगवान की भक्ति करो, नाम जप करो प्रतिदिन, यही भागवत धर्म है। आगे की बात आगे बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।